अगर आप मिडिल क्लास हो, बीसीपीटी जॉब कर रहे हो, बर्गर्स और डेजर्ट्स खाकर दिन ब दिन भद्दे और मोटे होते जा रहे हो, अगर प्रोक्रेस्टिनेट करके इम्पोर्टेंट काम को कल करूंगा बोल के टाल देते, अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली और रिलेटिव्स आपके बिल्कुल इज्जत नहीं करते और आपका ऐसा फुकरा ट्रीट करते, तो ये वीडियो, आई रिपीट, ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि अपने एयरफोन्स प्लग इन करो और कहीं अकेले में जाकर ये वीडियो अपने 100% अटेंशन के साथ देखो, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम वीडियो। ट्रस्ट मी, ये वीडियो को अगर आपने एंड तक देख लिया और इसमें बताए गए 7 रूल्स को आंख बंद करके फॉलो कर लिया, तो सारा खेल बदल जाएगा और आप उस इंसान से मिल पाओगे जिसके लोग सिर्फ सपने देखते हैं। यस, मैं आपके बेस्ट वर्जन की बात कर रहा हूँ। सो विदाउट एनी डिले, जिंदगी बदलने वाली है दोस्त, रेडी हो तो कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। अगर हमें लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो मेंटल चेंज हो या फिर फिजिकल। हमें पूरा जोर लगाकर हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। लेकिन जो बात अभी मैंने कही वो थोड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। इसे सुनकर हमें मालूम नहीं पड़ता कि हमें अभी क्या करना है, और जब हमें क्लैरिटी नहीं मिलती कि हमें अभी क्या करना है, तो हम कभी कुछ नहीं करते। और इसी का सोल्यूशन है 75 हार्ड चैलेंज। ये चैलेंज बना है आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए और आपको कंसिस्टेंसी सिखाने के लिए और आपकी लाइफ में कुछ नई हैबिट्स डालने के लिए। तो मैंने इस चैलेंज को कुछ दिनों तक फॉलो किया और मुझे इसमें कुछ कमियां दिखाई दी। वो कमियां क्या थी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन मैंने उन कमियों को पूरा किया और 75 हार्ड चैलेंज को मॉडिफाई किया और बनाया एक नया चैलेंज जिसका नाम है 75 सुपर हार्ड चैलेंज। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें करना क्या है और इस गेम के रूल्स क्या है। इस गेम के रूल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है। आपको 75 डेज तक 7 रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपने 75 डेज तक इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो आप वो नहीं रहोगे जो आप आज हो। आइए देखते हैं क्या है 7 रूल्स। रूल नंबर 1, आपको दिन में 2 वर्कआउट्स करने हैं 45 मिनट्स के। आप चाहो तो आपका पहला वर्कआउट सुबह कर सकते हो, दूसरा वर्कआउट शाम को कर सकते हो, या फिर दोनों ही वर्कआउट शाम को कर सकते हो अगर आपको सुबह प्रॉब्लम होती है तो। पहला वर्कआउट आप जिम के अंदर या घर के अंदर कर सकते हो और दूसरा वर्कआउट आपको बाहर करना है, जैसे कि रनिंग या वॉकिंग। रूल नंबर 2, दिन में 4 लीटर पानी पीना है। हर किसी के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए आपको 2 लीटर से स्टार्ट करना है और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करना है और 4 लीटर तक जाना है। और फिर भी अगर आपको प्यास लगती है तो ही पानी पीना है, वरना नहीं। आपको ट्राई करना चाहिए कि आप 4 लीटर पानी शाम तक खत्म कर दो, क्योंकि अगर आप इसे करने में रात कर दोगे तो आपकी रात की नींद बिगड़ जाएगी। रूल नंबर 3, आपको घर की डाइट खानी है। घर पे खाने में जो भी बनता है आपको वो खाने पे ध्यान देना है। जंक फूड कम्प्लीटली अवॉइड करना है, पिज्जाज, बर्गर, स्ट्रीट फूड, नथिंग। कुछ लोगों को बाहर के खाने की बिल्कुल आदत नहीं होती और कुछ लोग रोज बाहर का खाते हैं। ये भी एक सेल्फ डिसिप्लिन का पार्ट है और आपको इसे भी फॉलो करना है। रूल नंबर 4, आपको रोज किसी भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक के 10 पेजेस पढ़ने। इसमें मेरी रिकमेंडेशन है 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन या फिर रिच डैड पुअर डैड, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी ये दोनों बुक्स के प्रिंसिपल्स को रिविजिट कर रहा हूँ। बुक्स पढ़ने से आपके दिमाग में गहराई आती है और आप दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने और समझने लगते हो। अगर आप दिन रात मोबाइल में हिप्नोटाइज रहते हो तो जब आप बुक पढ़ते हो तब आपका दिमाग बहुत स्टेबल हो जाता है, आपका फोकस बढ़ जाता है। और तो और, अगर आप कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ रहे हो तो आपको दुनिया के अंदर वो चीज़ें नजर आने लगती हैं जो किसी नॉर्मल इंसान को नहीं दिखती। रूल नंबर 5, रोज एक सेल्फी लेनी है। ये रूल कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि आप में डे 1 से लेकर डे 75 तक कैसे चेंजेस आए तो ये रूल काफी काम आएगा। रूल नंबर 6, आपको ऐसे स्किल सीखनी है जो आपको पैसा कमाने में आपकी हेल्प करेगी, जो आपको पैसा कमाना सिखाएगी। मैं खुद वो इंसान था जो सोचता था कि मैं जिंदगी में कभी 1 रुपया भी नहीं कमा पाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस इतना लो था कि मैं अपने आप को एक छोटा इंसान समझता था। फिर जैसे मुन्ना भाई की लाइफ में ऐश्वर्या आई, वैसे ही मेरी लाइफ में बुक्स आई। लर्निंग पर फोकस करो, एंजॉय द लर्निंग, मनी को चेस मत करो। लर्निंग पर फोकस करो कि आप कितना सीख सकते हो और कितने डेप्थ तक सीख सकते हो। रूल नंबर 7, इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। यह ऐप इस तरह से बिल्ड हुआ है कि अगर आपने इस पर एक बार स्क्रॉल करना स्टार्ट किया तो आपके 1-2 घंटे कहाँ निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इससे बाहर आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन एडिक्शंस का बाप है। आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपकी क्रिएटिविटी, ये सब कुछ ये एप्लीकेशन खा जाएगी। मुझे भी रील्स स्क्रॉल करने का एडिक्शन हो गया था। मैं इंजीनियरिंग रील्स बहुत देखता था और जब मैंने रियलाइज किया कि यार इसमें घंटों जा रहे हैं, तो मैंने ये एप्लीकेशन डिलीट कर दी और करीब 1 हफ्ते के बाद मैं वापस इंस्टाग्राम पर आया और अब मैं सिर्फ अपने अपडेट्स और काम की बातें उस पर शेयर करता हूँ, मैं स्क्रॉल नहीं करता। तो जब ये एडिक्शन खत्म हुआ तो मेरा दिमाग शांत हुआ, दिमाग में जो कैओस था वो खत्म हुआ। ऐसा लगता था कि मैं हिप्नोटाइज हो चुका हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं सोच पाता हूँ कि मुझे क्या करना है और कहाँ पर जाना है, कौन सा काम मेरे लिए जरूरी है और अपने टाइम को मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। दिन के जिस टाइम पर मुझे इंस्टाग्राम यूज करने का मन करता था, अब मैं उस टाइम पर कोई स्किल सीखता हूँ। जी हाँ, मैं आज भी सीखने पर टाइम इन्वेस्ट करता हूँ।
75 हार्ड चैलेंज में कोई भी स्किल सीखने का रूल नहीं था, इसलिए 75 हार्ड चैलेंज का आप दिन के 4 घंटे में ही खत्म कर सकते हो और उसके बाद आप पूरे दिन फ्री, और उस फ्री टाइम में आप वही करोगे जो आप रोज करते हो। वह 75 हार्ड चैलेंज को फॉलो करने के बाद इसलिए मैंने बनाया 75 सुपर हार्ड चैलेंज, जिसमें हमें 6 कामों के अलावा एक और काम करना है जो है एक स्किल सीखना, जिसके बारे में हमने अभी बात की। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने ना जाने कितने मोटिवेशनल वीडियोस के कमेंट्स में ये बात पढ़ी है जिसमें लोग कहते हैं कि मोटिवेशन थोड़े टाइम तक रहती है, फिर जैसे ही वो कम होती है हम वहाँ पर ही पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इस बात को मैंने जब एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि जो मोटिवेशन है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। अगर हमें कंसिस्टेंट रहना है तो हमें एक सिस्टम बनाना होगा, एक सिस्टम जो मोटिवेशन पर रिलाई करे, जिसको मोटिवेशन होने या ना होने से ज्यादा फर्क ना पड़े। मुझे लगता है कि ये जो 75 सुपर हार्ड चैलेंज है ये सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। आप मोटिवेटेड हो या ना हो, आपके दिमाग के अंदर ये बात रहेगी कि आज के जो 7 रूल्स है वो मुझे फॉलो करने और आज शाम तक मुझे वो कंप्लीट करने हैं। जब ये चीज हमारे दिमाग के अंदर आएगी तब हम सिस्टम के अंदर बन जाएंगे, और अगर हम सिस्टम के अंदर बन गए और हमने हमारी हैबिट्स को चेंज कर लिया तो फिर हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में इन 7 रूल्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने दिमाग में ये मान रहे हैं कि ये 7 रूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें किसी भी हालत में ये 7 रूल्स को फॉलो करना ही है। और अगर आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट बना देते हो तो फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो 75 सुपर हार्ड चैलेंज वो आपसे यही करवाना चाहता है कि आपको मोटिवेशन से उठाकर एक सिस्टम में डाल दे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इन रूल्स को फॉलो करके इतना खो जाओ कि ये रूल्स आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाए, आपको पता ही ना चले कि आपके 75 डेज कब निकल गए। इन रूल्स को फॉलो करते करते आप पे बहुत प्रेशर आएगा क्योंकि आपकी पूरी लाइफ बदल चुकी है, आपकी पूरी डेली रूटीन चेंज हो गई है। हो सकता है कि आपको पूरा दिन एग्जॉस्टिंग लगे, हो सकता है कि इनमें से कोई एक रूल आपको बहुत ज्यादा परेशान करे, या तो 4 लीटर पानी वाला, या फिर जंक फूड ना खाने वाला, या फिर दिन में 2 बार एक्सरसाइज करने वाला। अगर आप एकदम ही गॉन कैसे हो तो ये 7 के 7 रूल्स बहुत ज्यादा आपको परेशान करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आपने 2 हफ्तों तक ये रूल्स को फॉलो कर लिया तो 3rd वीक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। याद रखना कि 3rd वीक तक पहुँचते आपको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा, लेकिन अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो उसके बाद ये चैलेंज को कम्प्लीट करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर आपने ये चैलेंज कम्प्लीट कर लिया तो आपको अपनी लाइफ को चेंज करने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब आपको कुछ नई चीज़ें दिखाई देने लगेंगी, आपको कुछ नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। अभी शायद आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि आपको करियर में क्या करना है, आपको ये भी नहीं समझ आ रहा होगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यही वो स्टार्ट है। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज आपको हार्ड वर्क सिखाएगा, ये चैलेंज आपको कंसिस्टेंसी सिखाएगा। इस लाइफ से आपको जो चाहिए वो पाने के लिए आपको जैसा बन जाना चाहिए, ये चैलेंज आपको वैसा ही बनाएगा। हम सब की प्रॉब्लम यही होती है कि हम उठकर खड़े नहीं हो पाते, खड़े होकर चलने की बात तो बहुत दूर की, ये चैलेंज आपको उठकर खड़ा होना सिखा रहा है। अपने आप से पूछिए कि क्या मुझमें स्ट्रेंथ है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, इस चैलेंज को कम्प्लीट करने की। तब देखना कि आपका इनर वॉइस कहेगा कि हाँ तू ये कर सकता है। आपके अंदर कितनी भी वीकनेस हो और आपके अंदर से एक आवाज आपको बोलेगी हाँ तू ये कर सकता है, उठ मेहनत कर। आपके अंदर से ये जो सब चीजें बोल रही है ना, हमें उसे ही बड़ा करना है, हमें उसे ही ऊंचाई देनी है। तो यहाँ तक अगर देख रहे हो तो इन बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट में लिख दो यस आई विल। याद रखना कि अफर्मेशन पे बहुत ताकत होती है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।